स्वागत so, है आपका फिर से करने गेम प्ले के एपिसोड एपिसोड में में और आज में, भाई हमें और ये जो मेरा है, इसको करेंगे हम बहुत ही खतरनाक इवोल्व मतलब एक तरह से समझ ही रहो ना सारे अनुभव इसको इसमें डाल देंगे और इसमें से बिल्कुल फाइव स्टार कर देंगे जितना ज्यादा स्टार होता है और वो फाइव स्टार थ्री स्टार जितना भी होता है उसको करने के बाद इसमें से भी फुल कर देंगे और अभी आपन देख लेते हैं कि अपने अनुपिस में यार इतने सारे अंडे किधर से आ गए मेरे पास पता नहीं यार और हाँ भाई बहुत तगड़ी ब्रीडिंग कर करके ऐसी की तैसी हुई पड़ी है मेरी तो इसका अटैक है मेरे अनुपिस का सौ छिहत्तर और यार ये क्या है चार सौ उनतालीस इसका रुको मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ कैसे लेते हैं भाई स्क्रीन शॉट मेरे तो याद भी नहीं है हाँ स्क्रीन शॉट आ गया इसको कर देते हैं बाद में और भाई मैं एक बार चेक कर इनको सभी को अभी है ना अंदर डाल देता हूँ फिर क्या पता कहीं हो ना लेकिन ये समझ में नहीं आया यार जब मैं ब्रीडिंग कर रहा था तो एक ये एक आध है ये बोस कैसे निकल गया यार? ये चीज़ मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई कोई नहीं अभी तो इनको डाल देते हैं और बहुत सारे अनुभव है भाई सोची भी नहीं होगी आप लोगों ने रुक और चलो भाई डलते हैं डालते हैं इसको करते हैं इधर से सेलेक्ट इसमें और किधर से मेरी अनुपिस की स्टार्ट होगी भाई रेली येलो अभी तो लगेंगे चार एक स्टार के लिए चार वो चार स्टार होंगे एक दो तीन चार एक स्टार हो गया अब लगेंगे सोलह ये लो भाई एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये होगा अब लगेंगे बत्तीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस तीस इक्कीस बत्तीस ओ भाई अब तो चौसठ लग रहे हैं चलो भाई इनको चौंसठ को भी करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस अठाईस उन्तीस तेईस तेईस चौसतालीस अटिस तैतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अट्ठता पचास बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौसठ और भी ले सकते हैं नहीं भाई चलो इसको करते हैं यस और ये हो गया अपना पूरा की पूरा मैक्स लेवल भाई अब देखते हैं मेरे याद है वैसे ओ भाई आठ सौ ग्यारह हो गया डिफेंस पाँच सौ छब्बीस अरे अरे अच्छा वर्क स्पीड है मैं सोचा डिफेंस तो तगड़ा होना चाहिए था और कुछ बड़ा है इसमें चलो अब भी अटैक आठ सौ ग्यारह और इसकी एच पी देखो पाँच हजार पाँच सौ पचहत्तर हो गई चार हजार की समथिंग कुछ थी और अभी सब चीज़ पर ध्यान रखना पचपन सौ इसकी एच पी है आठ सौ ग्यारह पाँच सौ ग्यार छब्बीस ये है ना चलो इधर से ही बढ़ा देते हैं इसको सारी चीज़ों में ये भी अपन ने मैक्स कर रखा है और ये देखो कितने सारे मैंने यूट्यूब पर देखे थे कैसे इकट्ठे करूँ इनको तो मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए बोस वोस मारने से इकट्ठे होते हैं अब तो मैं मार ही सकता हूँ बहुत सारे बोस इसको तो भाई बहुत टाइम लगा गेम को बार बार रिस्टार्ट करना पड़ा और तब जाके ये काम हुआ है मेरा तो चलो भाई इनको भी करते हैं मैक्स जल्दी से तो कहीं ये फाइनल बच रहा है और इसको भी कर देते हैं मैक्स ये लो ये ती, प्लस तीस मार्क्स हुआ सारी चीज़ प्लस प्लस तीस तीस हो जाएगी और अभी अपने अनुप को देखो पचपन सौ से बहत्तर सौ एच पी और ये कहाँ आठ सौ के आसपास था और ये हो गया दो सौ दो सौ से भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है डिफेंस भी सौ से ज़्यादा बढ़ गया वर्क स्पीड सत्तर थी शायद सत्तर से ये नाइनटी वन हो गई देखो भाई क्या नेक्स्ट लेवल हो गया अब रुक जाओ और एक चीज और देखनी है अभी मेरे को इसके कोई ज्यादा अटैक वगैरह वगैरह है क्या नहीं यार ग्राउंड स्मैश फोर्सफुल चार्ज स्पिनिंग राउंड चलो सही है सारे बढ़िया हैं और अनुबिस अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ द गोड अनुबिस दा तो नहीं लगाऊंगा गोड लगाऊंगा बस गोड अनूविस चलो भाई ये हो गया अपना रेडी और अब मैं इसकी एक बार आपने सुजाकू की फाइट देखी हो मेरी तो उस फाइट में मेरा अनुबिस मार रहा था सुजाकू को तीन सौ तीन सौ का डैमेज और अब चेक करेंगे कि मेरा अनुबिस सुजाकू को कितने का डैमेज मारता है समझ हो ना कितने का डैमेज तो चलो भाई चलते हैं एक बार और चेक करते हैं सुजाकू को कितना तगड़ा डैमेज मारता है ये एक तरह से बहुत फाइट भी हो जाएगी फ्री वाली और वो किधर पड़ेगा यार देख लेता हूँ वो पड़ेगा इसमें हाँ इधर पड़ेगा वो ठीक तो जल्दी से चलते हैं और भाई मतलब यार दिल आ जाएगा मेरा से भाई अभी तो पचास लेवल का होगा तब नेक्स्ट लेवल हो जाएगा बस अगर मैं सारे फाइव स्टार वाले अनुविश को मैं मतलब सारे अनुविश को फाइव स्टार करता और फिर तो फाइव स्टार वाले को उनसे फिर मैं इसको फाइव स्टार करता तो क्या नेक्स्ट लावल हो जाता जो समझ गया वो समझ गया वरना बाढ़ में जाओ भाई ये मेरे पीछे तो नहीं पड़ेगा औकात भी नहीं है किधर है वो है किधर इधर पड़ेगा यार ये ये हटें तभी तो ये लो इनकी फाइट अलग हुई पड़ी है वैसे ये है भी नहीं मेरे पास और मैंने ये लेजेंडरी स्क्र भी खूब सारी बना ली अरे यार ले तू लड़ ले भाई फेंगलो अरे यार सारे के सारे रोबिन क्विल मेरे पीछे पड़े हुए हैं चलो ये तो मर गए ख़त्म ये लेटे लेटे कैसे कर रहा है ये हंड्रेड परसेंट आ रहा है इस पे तो क्योंकि गीगा इस बहुत खतरनाक हो गई इस पर भी हंड्रेड परसेंट ये ग्लिच तो नहीं हो गया इस पर कितने नहीं इस पर नहीं आ रहा मैं सोच रहा भाई ये ग्लिच क्या है अब इस पर भी हंड्रेड आएगा देखना चलो आ जा भाई फैंग लो सही है मैंने कौन है कोई पीछे पड़ा हुआ है क्या अब भी तो इन तो बज रही है क्योंकि किधर है ये नल्ला है क्या भाई दिखाई तो नहीं दे रहा यार मेरे को अरे मेरे को अनु इसकी फाइट करानी थी यार इनसे मैंने फैंगलोक की गलत करा दी भाई नहीं, नहीं नजर आ रहा यार ये मेरे को पता नहीं सीन है अच्छा ये रहा ना थोड़ा सा आ गया है यार लेते हैं अपने पास और अनुविश को लगाते हैं इधर गोड़ अनुश को ये मैंने न्यू शॉर्ट आई है आठ गोली वाली अब देखते हैं अनुविस का दम चलवा अरे तीन सौ का ही मार लेकिन हाँ दो सौ का मार रहा था तीन सौ छिहत्तर मतलब इन टू हुआ है भाई तो भाई आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से मैंने इस टट्टी सुजाकू एक, क्या सुजाकू को मारा भाई और मेरे पास से बढ़ गया है तो इसको भी बढ़ा दें जल्दी से और इसको कर देते हैं अपन कितनी करें लेवल वाली बढ़ाऊँगा भाई मैं तो नहीं यार अटैक अटैक भी काम आते हैं लेकिन ओके मोहनी इतने ख़तरनाक कर लिए तो लेवल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है और मेरे पास न्यू गन भी खुल गई है सोल्ट राइफ़ल मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा और क्या पता बन भी जाए तो बना के भी दिखा दूँगा क्या जा रहा है और एक बार चलते हैं जल्दी से अपने घर और फिर दिखाते हैं आपको सारी चीज़ तो भाई मेरे पास पड़े थे बहुत सारे अंडे और इनको भी एक बार ओपन करना तो बनता है क्योंकि मैं जेड ड्रैगन को भी देख के आ चुका हूँ और ऐसे से निकला है नॉक तो उसके एरिया में भाई बहुत ही तगड़े तगड़े अंडे मिले हैं मेरे को ये पचास किलो का है शायद ये ब्लेज आउट नोक भाई ये कैसे निकल रहे हैं इतने तगड़े तगड़े पैल्स वैसे मेरे को ज़रूरत भी नहीं है ये पच्चीस किलो का इसको ओपन करते हैं और इसमें से निकला विक्सन जो कि बहुत ही घटिया पैल है लेकिन हाँ उसको अपन तगड़ा बना सकते हैं और एक बार मैं उसको दिखा देता हूँ आपको गन को वैसे तो गन बनेगी अपनी दूसरी वाली असेंबली लाइन से तो मेरे को अपनी असेंबली लाइन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और जॉइंट फीडबैक भी है मेरे पास इसको चलो ओपन कर ही देता हूँ यार ये समझ नहीं, नहीं आ रहा है इनसे टेक्नोलॉजी पॉइंट इतने कैसे हमारे टेक्नोलॉजी पॉइंट इतने कम कैसे है पता नहीं और मेमोरिस्ट क्रिस्ट सैडल भी है कोई नहीं कोई नहीं और भाई अगले एपिसोड में हम बहुत मतलब अपने अनुविश को भिड़ाएंगे एक ऐसे पैल से जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैं बिड़ाऊंगा उसको एस्ट्रोजन या फिर डिनो बाईस इसको बिड़ाऊंगा यहाँ के सारे पैल्स को खत्म कर देते हैं फिर इधर की साइड नेक्रोमस पैलेडियर रह जाएंगे बस फिर वही बचेंगे और ये थोड़ा मैंने आधा एरिया खुला छोड़ रखा है जैसे रोशनी वोशनी आती रहे और ये ऊपर चढ़ चला गया तो इसका मेरे को लग नहीं रहा कि कोई काम है तो गई आज के वीडियो बिड़े वीडियो चलते वीडियो कर देना लाइक चैनल को कर देना सब्सक्राइब और भाई जो मैं अपने एंड में जो भी पैल्स रखूंगा जैसे अनुविश रखूँगा मैं एक जैक ड्रैगन रखूँगा मैं एक फ्रोजेल रखूंगा मैं और एक नैक्रोम में से रखूंगा और एक रखूंगा मैं यही उड़ने वाला ये गैल क्लो तो गैल क्लो को भी मैं कर दूंगा वही तगड़ा तो गाइज आज की वीडियो इतना ही लाइक चैनल को कर देना सब्सक्राइब मिलते हैं अगले पैरवर्ल्ट के एपिसोड में और अगले पैरवर्ल्ट के एपिस गेम प्ले गेम प्ले का होगा वो तो ऑब्वियस ही बात है और गेम प्ले में भाई धूम मचा देगा अपना अनुस तो गाइज मिलता अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय